टेली टॉप आप 30 मिनट का फुल रिचार्ज में। आज हम आपको करेंगे रिचार्ज आपके फेवरेट टीवी शोज में आए इंटरेस्टिंग ट्विस्ट से। आज देखिए खतरों के खिलाड़ी का ग्रैंड लॉन्च और मिलिए होस्ट रोहित शेट्टी और सभी कंटेस्टेंट से। शक्ति में हरमन ने खतरनाक स्टंट्स करके लोगों की बटोरी वाहवाही। एक श्रृंगार स्वाभिमान में देखिए नैना और करण पहुंचे दरगाह और बाबा ने दी उन्हें दुआएं। उड़ान में चकोर ने क्यों जड़ा इमली को थप्पड़। ससुराल सिमर का में भारद्वाज हाउस में देखिए सिमर के खुलासे के बाद कैसे सदमे में आया पीयूष। मिनट का फुल रिचार्ज जूम टेली टॉप अप। टॉप अप धमाका में आज हमारे साथ हैं टीवी स्टार हीना खान, जो जल्दी नजर आएंगी खतरों से खेलते हुए। जी हां, हीना कई साल बाद एक आदर्श बहू की इमेज से निकलकर करने जा रही हैं एक रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी और कर रही हैं टीवी पर कमबैक, जिस पर हीना ने जूम से की एक्सक्लूसिव बात। ये आपका पहला रियलिटी शो होगा और मतलब कैसा लग रहा है कि वो चेंज माय फर्स्ट रियलिटी शो? यस यस, एक रिलेशनशिप शुरू करना था और काफ़ी टाइम मैंने एक दूसरे चैनल के साथ काम किया था, तो आई ऑल्सो वॉन्टेड टू ब्रेक एंड स्टार्ट अफ्रेश विद अ न्यू चैनल। सो आई एम ग्लैड, दे आर ग्लैड, आई एम हैप्पी। आई वॉन्टेड टू ब्रेक द इमेज, डू समथिंग एल्स, डू समथिंग डिफरेंट देन डेली सोप। सो एक छोटा सा ये छोटा नहीं है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है इन टर्म्स ऑफ, बट हाँ मेरे लिए छोटा इसलिए मैं बोलूँ क्योंकि मैंने 8 साल का इतना लंबा एक शो किया है, तो मेरे लिए 3 महीने का भी है, बट इट्स गोना बी समथिंग फ्रेश फॉर मी और अच्छा लगेगा मुझे। मेरी मैंने जो इतने साल किया है उससे बिल्कुल अलग होगा। वेल, हीना इस शो में हिस्सा लेने के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हैं। चलिए जानते हैं उनकी वीकनेस और स्ट्रेंथ क्या है। सबसे पहले अगर पूछेंगे तो सबसे पहला डर इंसान को क्रीपी क्रॉलीज से ही लगता है। आप सांपों के साथ, रैट्स के साथ, लिजर्ड्स के साथ आपको लिटाया जाता है, सो दैट इज़ अ लिटिल स्कैरी। यू हैव मिलियंस ऑफ फ्लाइज अराउंड योर फेस, सो दैट इज़ स्कैरी। अदर देन दैट, यस, मेरा पर्सनल फोबिया है पानी से मुझे, तो बाकी हाइट, आई हैव डन लॉट ऑफ एडवेंचर्स, तो हाइट इज़ नॉट माई कंसर्न, बट वही होता है ना, जिसमें आप कॉन्फिडेंट होते हो उसी में उल्टा हो जाता है। Well, we hope हीना के धमाकेदार कमबैक की न्यूज से आप हो गए होंगे फुली रिचार्ज। रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी का नया सीजन का मुंबई में हुआ लॉन्च। लॉन्च पर रोहित ने मारी धमाकेदार एंट्री और किए स्टंट्स परफॉर्म। इस बार शो में टीवी इंडस्ट्री के कई जाने माने नाम हिस्सा लेंगे, जैसे कि हीना खान, रवि दुबे, निया शर्मा, करण वाही, ऋत्विक धनजानी, शाइनी दोषी, मनवीर गुर्जर, लोपा मुद्रा राउत, शांतनु महेश्वरी और गीता फोगाट। शो के कंटेस्टेंट्स ने लॉन्च के मौके पर एक एक करके मारी एंट्री अपने अपने डांस स्टाइल में। ये शो इस बार स्पेन में शूट होगा और शो की टैगलाइन है पेन इन स्पेन। रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी को एक बार फिर से होस्ट करने जा रहे हैं बॉलीवुड डायरेक्टर रोहित शेट्टी। शो के लॉन्च पर जूम से की रोहित ने एक्सक्लूसिव बात। दोबारा से फन और स्टंट्स और खतरा होने वाला है। खुश हूँ, ये शो मेरे दिल के बहुत करीब है एंड तो खुशी है कि फिर से एक सीजन करने जा रहा हूँ और एक नई जगह जा रहे हैं, एक नया एक्सपीरियंस होगा। और सबसे ज़्यादा खुशी ये है कि जो लाइनअप है हमारे कंटेस्टेंट्स की, हमारे खिलाड़ियों की, बहुत अच्छी है। क्वाइट एक्साइटेड। गीता है एंड करण है, ऋत्विक है, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विद देम एंड मज़ा आएगा। सीरियल शक्ति में हरमन कुत्तों के साथ स्टंट परफॉर्म कर रहा है। अब घर से निकलने के बाद पैसे कमाने और घर चलाने के लिए हरमन कर रहा है स्टंट्स और मूवी में बन गए हैं स्टंटमैन। स्टंटमैन बनने के बाद हरमन को कुत्तों के आगे भागना पड़ रहा है। कुत्ते हरमन के ऊपर वार करते हैं, पर ये सब स्टंट्स करने के बाद हरमन को काफी वाहवाही मिलती है अपने काम के लिए। हरमन को जब अपने काम के लिए वाहवाही मिल रही होती है, तब प्रीतो और हरक अपने बेटे हरमन को देख लेते हैं, पर उनसे ये सब नहीं देखा जाता है, इसलिए वो दोनों वहाँ से परेशान होकर चले जाते हैं।
सीरियल स्वाभिमान में जहां एक तरफ नैना और करण के बीच बढ़ने लगी है दोस्ती, वहीं दूसरी तरफ नैना करण को लेकर आई है एक दरगाह पर माथा टेक कर मन्नत मांगने। और दोनों पहुंचे हैं बाबा के दरबार, जहां वो धागा बांध कर मांग रहे हैं अपनी मुराद। सीरियल स्वाभिमान में जहां एक तरफ नैना और करण दरगाह में पहुंचकर मांगते हैं अपनी मुराद, वहीं धागा बांधते समय नैना का फंस जाता है आंचल, जिसे देख वहां मौजूद फकीर देता है दुआ करण और नैना को, ये कहकर कि बाबा के दरबार में अब दोनों की दुआ कबूल हो गई। बोनस धमाका में देखिए खतरों के खिलाड़ी में जमाए राजा के मेन लीड का जलवा। सीरियल उड़ान में सूरज लाता है इमली को एक गेस्ट हाउस में उसे सुरक्षित जगह रखने के लिए, क्योंकि सबको लगता है कि इमली के पेट में जो बच्चा है वो सूरज का है। तभी वहाँ चकोर पहुँचती है और वो खूब खरी खोटी सुनाती है, यहाँ तक कि आज चकोर अपनी बहन इमली को थप्पड़ भी मार देती है। वेल चकोर काफी गुस्से में है, लेकिन इमली चकोर को बताती है कि ये सूरज का नहीं विवान का ही बच्चा है, उसने कोई धोखा नहीं दिया है। पर चकोर गुस्से में सूरज और इमली दोनों को ही बहुत ज्यादा सुनाती है, पर सच्चाई ये है कि ये बच्चा सूरज का नहीं विवान का ही है। शो खतरों के खिलाड़ी में इस बार हिस्सा लेने जा रहे हैं ऋत्विक धनजानी। ऋत्विक की गर्लफ्रेंड आशा ऑलरेडी शो का हिस्सा रह चुकी हैं, तो चलिए ऋत्विक से जानते हैं कि उन्हें आशा ने क्या टिप्स दी हैं। खतरों से खेलने के लिए तैयार हैं ऋत्विक आप? एक बिल्कुल तैयार हैं, टोटली तैयार, कम्प्लीटली। तो क्या कुछ तैयारियाँ की हैं और आशा ऑलरेडी ये शो कर चुकी हैं, उनसे क्या कुछ टिप्स लिए हैं? मैंने कई सारे टिप्स आशा से लिए जो उसने मुझे बताया कि किस तरह से मुझे, हाउ इम्पॉर्टेंट इज इट फॉर मी टू बी मेंटली स्ट्रॉन्ग दैन फिजिकली स्ट्रॉन्ग, और किस तरह से मुझे अपना फोकस बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है। एंड आई थिंक उसके अलावा जब ऐसी कोई चीज़ आपके सामने आती है जो आपके कंट्रोल में नहीं है, एक ऐसा डोमेन जिसके बारे में आपको कुछ नहीं पता, उसे आप ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते, तो उसके बारे में ज़्यादा सोचने का कोई मतलब भी नहीं बनता। बस आप उसे एंजॉय करें, बी देयर इन दैट मोमेंट, और बस अपना बेस्ट दें। टीवी स्टार करण वाही हमेशा की रियलिटी शोज को होस्ट करते नजर आते हैं, पर इस बार वो बने हैं कंटेस्टेंट। जी हाँ, करण खतरों से खेलने वाले हैं और वो है बेहद एक्साइटेड। मैं एक्चुअली इट्स सो फनी दैट यू नो, मैं जिसको भी बोल रहा था ना कि मैं खतरों के खिलाड़ी करूँ, अरे एंकर कर रहा है, खतरों के खिलाड़ी कैसे एंकर कर सकता हूँ, कंटेस्टेंट हूँ। सो आई थिंक इट्स अ चेंज एंड इट्स अ रिलीफ एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। सीरियल ससुराल सिमर का में फाइनली आ गया है हाई पॉइंट ड्रामा, जब भारद्वाज हाउस में सबके सामने विक्रम और अंजलि लेकर आते हैं पीयूष को अपने घर से, जिसके बाद घर में आते हैं सिमर पीयूष का हाथ पकड़कर माता रानी के मंदिर के सामने ले जाती है, और वहां सबके सामने वो पीयूष को करती है रिवील कि भारद्वाज हाउस में मंडराने वाला काल कोई और नहीं बल्कि खुद पीयूष है। और फिर सिमर अपने बेटे पीयूष को उसकी कुंडली के बारे में बताती है और कहती है कि आखिर कुंडली में लिखी बात हो गई सच। सीरियल ससुराल सिमर का में जहां एक तरफ सिमर पूरे घर वालों के सामने पीयूष को बताती है कि काल कोई और नहीं बल्कि खुद पीयूष है, वहीं ये बात सुनकर पीयूष हो जाता है शॉक्ड और रो रो कर कभी अपनी माँ सिमर से तो कभी अपने माताजी के सामने जाकर बोलता है कि ये बात सही नहीं हो सकती, वो ऐसा नहीं कर सकता। शो नच बलिए के अपकमिंग एपिसोड में काफी दबंग माहौल नजर आएगा, क्योंकि सेट पर आ गए हैं चुलबुल पांडे और मुन्नी। जी हां, भारती और हर्ष की अपकमिंग परफॉर्मेंस में भारती बनी है मुन्नी और उनके बलिए हर्ष बने हैं चुलबुल पांडे। चुलबुल और मुन्नी बनकर हर्ष और भारती ने दिया धमाकेदार परफॉर्मेंस, और इस परफॉर्मेंस से डेफिनेटली वो अपने फैंस का दिल जीत लेंगे। वेल, जब सेट पर चुलबुल पांडे और मुन्नी मौजूद हैं, साथ ही शो के सेट पर सेलिब्रेट किया गया शो के होस्ट करण टैकर का बर्थडे। सभी ने साथ मिलकर केक काटा और मनाया करण का बर्थडे। There you are guys. Happy birthday from my end to everybody. Thank you. Thank you very much.
सीरियल एक था राजा एक थी रानी में आ गया है इंटरेस्टिंग मोड, जहां आज तो राज की पोल खुलते खुलते रह गई। जी हां, राज की फोटो एल्बम लग गई है रानी की माँ के हाथों और रानी के मॉम के हाथ में ये एल्बम देखकर राजा गए घबरा और किसी तरह रानी की माँ को बहला फुसला कर समझाने की कोशिश करने लगे। हाँ, ये एल्बम एक राज है इसमें बहुत बड़ा जो मेरे घर में छुपा हुआ था और ये एल्बम रानी के हाथ लग जाता है। इसमें ऐसे कुछ क्लूज हैं जिससे मेरा पूरा प्लान चौपट हो सकता है। तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि रानी ये पढ़े ना, उसे देखे ना, और जब मुझे रियलाइज़ होता है कि इन्होंने देख लिया है अब नेक्स्ट मैं क्या करूँ, तो मैं अपनी माँ और बहन को जो यहीं रह रहे थे इनको भगा देता हूँ यहाँ से, क्योंकि मुझे लगता है कि इनकी जान को खतरा है। सीरियल एक था राजा में एक तरफ जहां राज की एल्बम की वजह से खुलते खुलते रह गई पोल, वहीं दूसरी ओर राजा ने अपनी माँ और बहन को सबकी नजरों से छुप छुपा कर महल से दूर भेज देता है ताकि उन पर किसी को शक ना हो। लेटर ऑन द शो, चंद्रकांता ने क्यों कहा शिवदत्त से शादी के लिए हाँ। सीरियल एक था राजा एक थी रानी में आ गया है इंटरेस्टिंग मोड, जहां महल के अंदर रानी की मां ने रानी को महल से कहीं दूर जाने के लिए बनाया है प्लान और वो रानी से कहती है कि उसने सारी तैयारी कर ली है और वो हो जाए तैयार जाने के लिए ताकि उसकी तबीयत में हो सुधार, लेकिन रानी करती है इनकार। तभी राजा करता है कोशिश रानी को समझाने की कि वो चले बाहर महल से। राजा इस कोशिश में है कि जल्द से जल्द पता लगा ले कि रानी की मेमोरी सच में गई है या सब ना तक है, इसलिए उनको बाहर भी ले जाने का आइडिया बना रहे हैं राजा। सीरियल भाभी जी घर पर है में आ गया है टॉप अप ट्विस्ट का ड्रामा, जहां विभूति के साथ साथ मोहल्ले के सभी लोगों ने कर लिया है डिसाइड बैंड वाला बनने के लिए, और जिसके लिए सब मिलकर कर रहे हैं रिहर्सल भी, वो भी रोड पर ही, जहां पहले तो हप्पू सिंह गाते हैं समझाने के लिए लेकिन कोई नहीं सुनता उनकी बात, और फिर सक्सेना जी भी आते हैं और विभूति को लगता है कि उन्हें अभी थोड़ी और रिहर्सल करनी पड़ेगी। वो एक तरफ जहां सीरियल भाभी जी घर पर है में सभी बैंड वाला बनकर कर रहे हैं बैंड बजाने का रिहर्सल और देख रहे हैं सपना पैसे कमाकर बड़े आदमी बनने का, वहीं उन्हें मिलता है पहला ऑर्डर बैंड बजाने के लिए जिससे सभी हो जाते हैं बहुत खुश, लेकिन इस बात से विभूति और सभी हैं अनजान कि जिस पहले बैंड के ऑर्डर को लेकर वो बेहद खुश हैं, असल में वो एक फ्यूनरल में बजाना है बैंड। सीरियल चंद्रकांता में शिवदत्त से शादी के लिए कर दी है चंद्रकांता ने हाँ, पर ये क्या, पंडित जी ने कुंडली मिलाई और दिख गया इन्हें कुंडली में दोष जिससे उड़ गए सबके होश। अब आई है ये खबर कि शिवदत्त आ रहे हैं लेके बारात अगले दो दिनों में, जिससे सबको अगले ही पल लग जाता है झटका। अब देखना ये है कि क्या ये शादी होगी या फिर कहानी में आएगा कोई नया मोड़। वेल, सीरियल ससुराल सिमर का में पीयूष को काल के बारे में सच्चाई पता चलने के बाद उसका रो रो कर हो जाता है बुरा हाल और वो समझ नहीं पा रहा कि ये सब कैसे हो रहा है। तभी पीयूष की मॉम सिमर उसे समझाती है और बोलती है कि वो इसका कोई ना कोई निकालेगी उपाय और अपने बच्चे का देगी पूरा साथ, क्योंकि उसे माता रानी पर है पूरा विश्वास कि माता रानी उसके बेटे को ठीक कर देंगी। इनका खून हो गया सुमित अंकल का, जिन्हें मैं अपने पिता समान मानता था बचपन से, उन्हीं के साथ रहा हूँ, तो दैट गिल्ट इज ऑलवेज देयर, एंड स्पेशली उस इंसान को जिसने बचपन से पाला बड़ा किया और मेरा और माँ का साथ दिया जब कोई भी हमारे साथ नहीं था, तो ऑब्वियसली वो था जिसको उस टाइप का माना है अपने बचपन से इतना इम्पोर्टेंट है जो मेरे इंसान, उसको मैंने मार दिया मेरे हाथों से, तो जो गिल्ट होती है दैट ओवरटेक्स मी ऐसे कि इससे पहले मैं और किसी को मार दूँ आप मुझे मार दीजिए। बोनस धमाका में आज हमारे साथ हैं सीरियल जमाई राजा के जमाई रवि दुबे, उनकी वाइफ रोशनी यानी टीवी स्टार निया शर्मा और रवि की शो में लीप के बाद वाली वाइफ माही यानी टीवी स्टार शाइनी दोषी। लकीली ये तीनों जल्द ही नजर आएंगे रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी में, मतलब इस शो के जरिए सीरियल जमाई राजा का रीयूनियन हो गया है। तीनों ही काफी एक्साइटेड हैं एक साथ इस शो में धमाल मचाने के लिए। खतरे को खतरा इसीलिए कहते हैं या डेंजर इसीलिए कहते हैं कि आप उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते,
एंड यू नो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इट स्ट्राइक्स एंड यू डोंट नो हाउ यू आर गोइंग टू रिएक्ट टू इट. तो आप उसके लिए कुछ खास प्रिपेयर भी नहीं कर सकते. इट हैज़ टू हैपन एट द स्पर ऑफ द मोमेंट. आपकी मेंटल स्ट्रेंथ, आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ, आपकी साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ, ऑल ऑफ दीज थिंग्स कम इन टू प्ले व्हेन यू डीलिंग विद डेंजर. खुश हूँ मैं बहुत क्योंकि जमाई राजा से निया, शाइनी, ऋत्विक, करण, ये मेरे कुछ बहुत करीबी दोस्त मेरे साथ में जा रहे हैं और आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ देम, ऑल ऑफ देम. और कम से कम एक सरगुन ऑब्वियसली इज़ वेरी बिजी विद हर वर्क एंड अदर देन दैट शी विल ऑल्सो शी इज़ ऑल्सो नॉट अ पार्ट ऑफ द शो. तो जब एक अनफेमिलियर स्पेस में आप जाते हैं तो कुछ फेमिलियर चेहरे होते हैं तो हमेशा अच्छा रहता है. तैयारी क्या करनी है मुझे नहीं पता. मतलब एग्जाम होता तो शायद मैं पढ़ वढ़ लेती या फिर कोई डांस कॉम्पिटिशन होता मैं रिहर्सल कर लेती. बट दिस इज खतरों के खिलाड़ी मैन, व्हाट यू एक्सपेक्ट. मतलब कौन सी प्रिपरेशन के साथ जाना होता है आई हैव नो आइडिया. बट यस, मैंने पहली बार लाइफ में क्रॉसफिट ट्रेनिंग ज्वाइन की है एंड माई लेग्स आर हर्टिंग राइट नाउ. यस, आई वर्क विद रवि ऑन द शो, आई हैव रोमांस्ड हिम, बट नाउ आई एम गोइंग टू कम्पीट विद रवि, सो दैट्स आल्सो इज गोइंग टू बी यू नो वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच. वेल, जमाए राजा के सिड और रोशनी तो दोनों काफी खुश हैं फिर एक बार साथ काम करने के लिए. साथ ही माही भी हैं एक्साइटेड. तैयार हूँ, नहीं अपने आप को तैयार कर रही हूँ बिकॉज ये शो सेलेक्ट करने का मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि मैं अपने फियर ओवरकम करना चाहती हूँ. रीयूनियन आल्सो फॉर जमाई राजा शो, सो आप क्या कहेंगे? मैं कह रही हूँ ना, एडवेंचर और थ्रिल के साथ इट्स गोइंग टू बी लॉट ऑफ फन आल्सो. रवि, निया, एवरीबॉडी इज देयर, सो बहुत मजा आएगा शो पे. आइए अब आपको करते हैं रिचार्ज सीरियल पिया अलबेला में नरेन और पूजा के कृष्ण राधा डांस वाली न्यूज के साथ. जी हां, सीरियल पिया अलबेला में नरेन और पूजा ने लिया है कान्हा और राधा का नवरात्रा और राधा कृष्ण बनकर दिखा रहे हैं अपना जबरदस्त परफॉर्मेंस. और आइए अब आपको लेकर चलते हैं सिंगिंग रियलिटी शो सारे गमापा लिल चैंप्स के सेट पर, जहां सेलिब्रेट किया गया मदर्स डे और इस खास मौके पर पहुंचे लेजेंड्स ऑफ बॉलीवुड एआर रहमान और इसकी कुछ खास झलक टेली टॉप अप लेकर आया है आपके लिए. एशियाज थर्ड सेक्सीएस्ट वुमन और टीवी पर की वन ऑफ द हॉटेस्ट एक्ट्रेस निया शर्मा है फिटनेस फ्रीक और अपने सोशल हैंडल पर निया ने अपने वर्कआउट सेशन की वीडियो की है पोस्ट अपने फैंस के लिए. निया इस वीडियो में डिफिकल्ट वर्कआउट करती दिखाई दे रही हैं. निया ने इस वीडियो के साथ लिखा ये कैप्शन, जस्ट अ बिगिनर, अ प्रो इन प्रोसेस. टीवी पर के वन ऑफ द मोस्ट फिट एक्टर्स और नच बलिए 8 के होस्ट करण टाकर के जिमिंग वाले पैशन के बारे में तो हर कोई जानता है. करण अपने सोशल हैंडल पर अपनी वर्कआउट वाली पिक्चर्स अक्सर करते हैं पोस्ट और रिसेंटली करण ने अपने वर्कआउट का एक वीडियो किया है पोस्ट अपने सोशल हैंडल पर, जिसे उनके फैंस कर रहे हैं बेहद पसंद. कमिंग अप ऑन द शो, सलमान लेकर आ रहे हैं टीवी पर पहली बार फिक्शन शो 30 मिनट का फुल रिचार्ज जूम टेली टॉप अप. टीवी पर के वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड एक्टर्स करणवीर बोरा को हाल ही में मिला बेस्ट एक्टर का दादा साहेब फाल्के अवार्ड, जिसके बाद करणवीर ने अवार्ड के साथ अपनी लवली वाइफ की पिक्चर की पोस्ट और इस अवार्ड के मिलने पर खुशी जताते हुए लिखा ये प्यारा सा कैप्शन, व्हाट फन इज एन अचीवमेंट इफ यू कांट शेयर इट विद द वन यू लव, व्हाट्स द यूज ऑफ रीचिंग द टॉप इफ यू कांट टेक हर और हिम देयर, दे से द व्यू गेट्स इवन बेटर, माय बेटर हाफ, माय बॉम्बे सनशाइन. What would I do without you? सलमान खान लेकर आ रहे हैं टीवी पर एक फिक्शन शो. जी हां, अकॉर्डिंग टू आवर क्लोज सोर्सेज, सलमान फेमस रेसलर गामा पहलवान की लाइफ पर एक बायोपिक बनाना चाहते थे, लेकिन सलमान चाहते थे कि गामा की स्टोरी हर किसी को पता चले, इसलिए अब वो टीवी के लिए बना रहे हैं उनके लाइफ पर एक फिक्शन शो. बताया जा रहा है कि सोहेल खान इस शो में मेन लीड में दिखाई दे सकते हैं और सलमान ने शो का पायलट एपिसोड भी कर लिया है शूट. पॉपुलर टीवी शो शक्ति इस महीने के एंड में पूरे करने जा रहा है एक साल और इस मौके पर शक्ति की मेन लीड सौम्या एके रुबीना दिलायक ने अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और फैंस को सोशल हैंडल पर अपनी पिक्चर्स पोस्ट करते हुए किया शुक्रिया अदा. रुबीना ने लिखा ये कैप्शन भी, ओ माय गॉड, मे इज हियर, वी आर गोइंग टू कम्प्लीट वन ईयर ऑफ शक्ति ऑन 30th May 2017. आई एम इंडेटेड टू माई लाइफ, माई लव, माई फैमिली, माई फ्रेंड्स एंड माई फैंस फॉर दिस इनविग्रेट
exhilarating journey. My deepest gratitude, marching forward to victory. Thank you. Minute ka full recharge. Zoom Tele Top Up. For all the garma garam Bollywood gossip news and more, download the Zoom app now.